अब खबर पाली के तखतगढ़ से, जहां पर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी नरेंद्र सिंह काबा से व्यापारियों ने मुलाकात की। व्यापारियों ने बताया कि 12 बजे बाजार खुला रखने का फैसला लिया गया है। इस दौरान सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी, साथ ही रास्तों को भी सील किया जाएगा। इसके अलावा मंडी को भी स्वामी विवेकानंद स्टैंड पर रखने का फैसला किया गया है। अधिशासी अधिकारी से मुलाकात के दौरान कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश कुमार राठौड़ और जितेंद्र कुमार मौत सहित कई व्यापारी मौजूद रहे। निर्देश दिए कि 12 बजे तक ही उन्हें अपने अपनी दुकानें खुली रखनी है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी है, एवं जो कस्टमर बिना मास्क पहने आए उन्हें सामान नहीं देना है। दूसरा सर, ये मार्केट में जो बाजी मार्केट वाला, आज सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा था कि वह बाजी मार्केट पहले इधर थी और बाद में वहाँ जूना बस स्टैंड गई, तो उसको लेकर कोई कार्रवाई होगी सर? सब्जी मंडी के लिए सुबह ही मुझे ज्ञात हुआ कि सब्जी मंडी वाले बिना पालिका की परमिशन के, जहाँ पालिका ने जो जगह आवंटित की थी वह छोड़ के अन्यत्र जो उनकी मूल रूप से जो जगह है वह चले गए थे, उन्हें आज वापस पूर्ण रूप से वहाँ से हटाकर वापस पालिका के सामने ही स्थापित कर दिया गया है। इसलिए पहुँचा कि भाई जो व्यवस्था है हम उनसे संतुष्ट हैं, लेकिन अब कई परिवार जो बाहर से आ रहे हैं वो मार्केट में उसी तरह आ रहे हैं जैसे कि वो पहले घूमते थे, तो उनके बारे में भी उनको बताना था। और अगर कोई लॉकडाउन के समय में जो हमने नियम बनाया व्यापार संघ ने कि भाई हम 12 बजे बंद करके घर को जाएंगे, तो उस संबंध में भी कहीं दुकानें खुली रहती है, कोई अनावश्यक लोग अगर बाहर घूमते हैं तो उनको पाबंद किया जावे। दूसरा, और कोई जन समस्या को लेकर कोई चर्चा हुई? हाँ, फिलहाल समस्या तो इस महामारी को लेकर ही है कि जिसको सभी लोग हल्के में ना लें, और प्रशासन इसको कड़ी से